दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यदि बारिश बरस रही है और बिजली कड़क रही है तब हमें मोबाइल फ़ोन है वो इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बारिश या बिजली कड़कती है उस समय, लेकिन ये टॉपिक मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिजली कड़कना या उसके पड़ने का पीछे जो साइंटिफिक कारण होता है कि वो आखिर में अर्थ पे ही क्यों आके गिरती है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे फ़ोन यदि आप बारिश के समय या बिजली कड़कती है उस समय यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्यों गिरती है बिजली, क्या कारण है, तो इसका हम लोग वैज्ञानिक कारण बताएंगे आप लोगों को। तो हम आपको बता दें कि आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा में उड़ते रहते हैं और घूमते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं, इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है और वह बिजली धरती पर आती है या गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने की वजह से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाते हैं, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली का कंडक्टर को जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई भी व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। तो फोन यूज करने से बिजली है वो नहीं गिरती। यदि बिजली को कोई भी कनेक्टिविटी, जैसे मान लो कि सुचालक नहीं मिल पाता है अपने आसपास में, या आप कहीं भी ऐसे बाहर खड़े हो और बिजली कड़क रही है, आपके आसपास कोई लोहे की वस्तु या खंभा या पिलर नहीं है, तो वो आप पे गिर सकती है। अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें, इफ इट फॉल्स इट कैन फॉल एनीवेयर एट द रॉन्ग प्लेस विथ रॉन्ग टाइम। तो आप यदि कहीं गलत जगह पे जहाँ पे बिजली गिरनी होती है वहां पे आप खड़े रहते हो और वहीं पे बिजली को कोई भी सुचालक नहीं मिल पाता है, तब वो आप पे गिर सकती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो फोन में कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा होता है कि जिसे वो अपनी ओर बिजली को है वो आकर्षित करे। तो बारिश के समय आप अपने घर के अंदर फोन है, इंटरनेट है, वो यूज कर सकते हो। हाँ, बारिश के समय इंटरनेट है वो थोड़ा स्लो चल सकता है, क्योंकि जैसे बारिश की बूंदे होती है वो एक साथ गिरती है, बहुत सारी बूंदे, जब तेज बारिश होती है तब जो नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी होती है वो आप तक पहुंचने में थोड़ी वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से आप लोगों को नेट स्लो का जो है सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बिजली फोन पे नहीं गिरती है। तो आज आपको पता चल गया होगा, यदि आप ट्रेन में, गाड़ी में या अपने घर पे हो तो आप आराम से वो फोन यूज कर सकते हो। घर पे हो तब आपको ऊपर एक छत मिल जाती है जो क्या है, विद्युत के कुचालक होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तब आप बाहर फोन यूज कर रहे हो, तब बिजली यदि गिर रही है तब आपके आसपास कोई भी कंडक्टर नहीं होता है जिससे बिजली है वो फ्लो होकर अर्थ के अंदर जा सके, उस समय बिजली है वो आप पे गिर सकती है। तो जब बारिश हो रही हो या बिजली कड़क रही हो तो घर पे रहें, पेड़ के नीचे खड़ा रहना भी सेफ नहीं है। तो घर पे रहें, गाड़ी में हो तब भी आप सेफ हो, ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हो तो भी आप सेफ हो, उस समय आप फोन भी यूज कर सकते हो। मैंने छोटी सी जानकारी देने की आपको कोशिश की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको नॉलेज मिला है, तो एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।